यार इनको बाहर निकाल दिया। अब ये देखो, तो जैसे ही बाहर निकालते हैं यार ये बहुत खुश होते हैं, और केज के अंदर बंद होना ये क्रॉसिंग नहीं करते यार। जैसे बाहर निकालते हैं फिर ये वो क्रॉसिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चेक करो, ये गुब्बारे जो हैं जैसे ही बाहर निकाला है तो उड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अब ये मस्ती भी करने ही स्टार्ट कर दी है इस मेल ने भी। ये देखो तो यार बहुत जो है ना बहुत शौक से लेके आया हूँ ये वाला पेयर भी। तो यार जो भी चीज़ शौक से लेके आते हैं यार वो अंडे बच्चे पता नहीं क्यों नहीं करती। तो यार ये भी जल्दी जो है अंडे बच्चे करें, ज़्यादा हों तो फिर मज़ा आएगा। तो ये देखो यार कभी उड़ के इधर जाता है कभी उधर जाता है। मस्ती तो अब इसमें मेल में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो बस यही दुआ करता हूँ कि ये क्रॉसिंग जल्दी से स्टार्ट कर दे तो फिर मज़े आ जाएंगे यार। जब ये अंडे उतारेंगे फिर बच्चे आएंगे तो फिर मज़े आ जाएंगे। तो यार इस केज से जो चूहे चंदन का पेयर था ना मैंने डाला हुआ इस केज के अंदर, वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि वो ऊपर बैठा रहता था। तो जो हमारा ये मेल है, ये खेल वाला जो मेल है यार, ये भी ऊपर बैठ जाता था तो सिर्फ एक फीमेल ही नीचे बचती थी ये खेल वाली। तो ये जो है लगाई तो थी स्टिक और वो चीज़ जो है मैंने बनाया इन खुमरों के लिए, तो खुमरों को ऊपर बैठने नहीं देते थे, इनको मारते थे तो वो खुद ही ऊपर बैठ जाते थे, इसलिए मैंने उनको बाहर निकाल दिया है। तो क्योंकि जल्दी हम जो है इनके केज का काम जो है सारे पे जो है हमारे पास कबूतर इनके केज का काम इंशाल्लाह जुमे को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करा देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, सब ठीक ठाक हो, खैर खरियत से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो इंशाल्लाह यार ना हम इस जुमे को, ये जो जुमा आना है ना, अब इस जुमे को टाइम दिया है मिस्त्री ने हमें, तो जैसे मिस्त्री आते ना तो हम ये हमारे जो भी कबूतर हैं ना इन सभी का जो है उधर हम एक वीआईपी केज बनाएंगे, उधर बहुत प्यारा केज बनाएंगे इंशाल्लाह, हर एक चीज़ उसमें जो है लगाएंगे वो। तो अभी तक यार जो जैसे ये जो भी अंडे उतारते हैं, अभी एक पेयर ने अंडे उतारे हुए हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो यार जैसे जो है ना कोई मुर्गी, मुझे लगता है शायद दो पेयर ने अंडे दे दिए हैं। ये देखो ये अंडे उतरे पड़े हैं, ये घोंसला बना पड़ा है, तो ये भी पेयर अंडे उतारे, इसने भी अंडे उतार दिए हैं ये देखो। तो यार जैसे ही जो है ना ये अंडे उतारते हैं ना तो मुर्गियाँ या कौवे वो अंदर चले जाते हैं, वो सारे अंडे जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। तो यार ना तकरीबन एक साल हो गया है जब से मैंने जो है ना ये वाला केज, ये सामने केज है ना, इस केज में पहले हमारे कबूतर पिजन होते थे, तकरीबन मेरे पास 200 पिजन था इस केज के अंदर, बहुत ज़्यादा पिजन थे। तो जब से मैंने इस केज से जो है ना पिजन को निकाल के अलहदे अलहदे किया ना छोटे केजों के अंदर किया ना, तो यार उसके बाद जो है ना जो कोई बच्चा ही नहीं हमारे पास आया, बस कोई एक दो बच्चे आए और उसके अलावा कोई और बच्चा ही नहीं आया। तो जो पिजन है वो भी काफ़ी कम हो गए हैं यार। अब जो ज़्यादा जो पेयर फिर रहे हैं तो जो वो गुब्बारे लक्के ये सराजी वगैरह ये सब इतनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये 30-32 हो जाएंगे ये। क्यों शोर डाला हुआ है आपने, भूख लगी खड़ी है आपको? तो अभी दाना डालता हूँ ना आपको, सब्र करो। तो सभी परिंदे जो हैं अब इधर पास पास आ गए हैं, ये देखो, तो इनको दाना वगैरह डालते हैं। तो परी अभी अभी आ गई है, ये देखो, तो ये अभी अभी बाहर से आई है, बाहर खेतों में गई हुई थी तो अभी लाके इसको बंद कर दिया है। परी आजा, इसका पेट फुल है यार। इनका काम चेक करो, ये मुर्गियाँ किधर चढ़ी हुई हैं, ये देखो।
ये छोटू गैंग अब पानी में जा रहा है इधर। ये पोमी क्या लेक के फेर रही है, पोमी क्या खा रही हो? तो ये मैगी, हेलो मैगी, मैगी मैगी, यार इसकी आंखें देखना, एक और है, एक और है। हेलो मैगी, वो भाग गई, शर्म आ गई इसको। अरे हाँ रिची, क्या कर रहे हो? रिची रिची, रिची को यार जो है ना वो जुए वगैरह डली हुई हैं, आज इसको दवाई लगाई है मैंने। हाँ रिची रिची, चलो खेलो रिची, आ जाओ रिची, हाँ रिची रिची रिची। तो यार फाइनली सभी परिंदों ने डाइट खा ली है, ये मुर्गियाँ टर्की मोर वगैरह ये सभी चीज़ें बाहर फिर रही हैं, तो ये खुद ही अपने केज के अंदर चले जाएंगे। जो छोटे चूजों वाली मुर्गी है उसको भी बंद कर दी है, डक्स को भी और डक्स बेबी को भी, और रैबिट जो है इधर इनको इनको भी घास वगैरह डाल दी थी, इन्होंने भी खा ली है। और जो हमारे पिजन है ये भी बंद कर दिए हैं, ये देखो ये वाले भी बंद हो चुके हैं, इन्होंने भी खा लिया, और तोतों ने भी खा लिया, कुछ खा रहे हैं अभी। हेलो, वो उड़ गया है, वो बहुत शर्मिला है, ये नहीं शर्म उड़ता है ऐसे। तो ये खुद ही जो है अपने केजों के अंदर चले जाएंगे थोड़ी देर तक, सूरज तो गुरूब हो चुका है। तो ठीक है गाइस, इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।